हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके रिटर्न असेसमेंट शुरू हो गए हैं एफएलएन क्लासेस के और फोर्थ फिफ्थ क्लासेस के भी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एफएलएन क्लासेस की, तो आप लोगों को टाइम से पेपर मिले या नहीं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसा रहा इतने लंबे टाइम के बाद रिटर्न असेसमेंट लेने का अनुभव या फील कैसा रहा? क्योंकि बहुत टाइम से हम ऑनलाइन खेल रहे थे, तो अब क्या ऑफलाइन में कैसा फील आ रहा है आपको और बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज आपके लिए लेकर आए हैं कि एफएलएन क्लासेस के जो अब असेसमेंट आप कर रहे हैं, यानी कि जो रिटर्न हुआ है और ओरल हुआ है, वो मार्क्स आपको कैसे अपडेट करने हैं निपुण हरियाणा टीचर ऐप पे। हाँ जी, वही टीचर ऐप जो आपके फ़ोन में आपके टैब में इंस्टॉल करवाई गई है, निपुण हरियाणा टीचर ऐप, उस पर कैसे अपडेट करने हैं आज हम ये जानेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे छोटे से परिवार का बड़ा सा हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इस परिवार का हिस्सा बन जाए और हमसे जुड़ जाए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लग जाए कि मेरा परिवार कहाँ तक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने के लिए पहले हम सबसे पहले जाएंगे हमारी निपुण हरियाणा टीचर ऐप पर। मैंने ये निपुण हरियाणा टीचर ऐप ओपन कर लिया है और इस पर लॉगिन भी कर लिया है। तो अब आपको पीरियोडिक असेसमेंट नजर आएगा, आप पीरियोडिक असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। अब पीरियोडिक असेसमेंट पर क्लिक करते ही आपको आप जिस क्लास के टीचर हैं, यानी कि आपको जो भी क्लास असाइन की गई है, एलोकेट की गई है ऐप के ऊपर, वही क्लास आपको शो होगी। मैंने जिस मैम का ये लॉगिन किया हुआ है तो वो तीनों ही क्लासेस के इंचार्ज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। तो उनके तीनों असेसमेंट शो कर रहे हैं, फर्स्ट का हिंदी का था, सेकंड का हिंदी, थर्ड का हिंदी था, तो तीनों क्लास शो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप सेकंड क्लास के हैं तो आपको सिर्फ सेकंड क्लास ही शो होगा। दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा सिर्फ वही असेसमेंट यहाँ पर अपडेट का रिजल्ट अपडेट करने के लिए आपको शो होगा, इसके अलावा अगले एग्जाम के लिए नहीं शो होगा, जो होगा वही शो होगा। तीसरी बात, आपका जो असेसमेंट है फर्स्ट क्लास का असेसमेंट आपका 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, आज का, कल का, उसके बाद 2 दिन और, उसके बाद वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, आप अपडेट नहीं कर पाओगे। सेकंड क्लास का 3 दिन रहेगा और थर्ड क्लास का 3 दिन रहेगा, पेपर वाले दिन को इंक्लूड करके वो 3 दिन तक रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि टाइम से अपने पेपर चेक कर लीजिए और उन्हें उनके मार्क्स को क्या है अपडेट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अब अपडेट कैसे करना है। मान लीजिए मैं अपनी सेकंड क्लास के बच्चे का असेसमेंट अपडेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एनुअल असेसमेंट पर मैं क्लिक करूँगी और अपना सेक्शन को सिलेक्ट करूंगी। सेक्शन सिलेक्ट करते ही मेरे पास मेरी क्लास के सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी कि मेरा कौन कौन से बच्चे हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं अपनी क्लास के बच्चे आर्यन का डाटा अपडेट करना चाहती हूं, तो मैं आर्यन के ऊपर क्लिक करूंगी। आर्यन का डाटा क्लिक करते ही सबसे पहले आपके पास आएगा ओरल असेसमेंट का पेपर, ठीक है, उसके मार्क्स आपको अपडेट करने होंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब आप ओरल असेसमेंट का पेपर जब आपने लिया था, आपको पता है कि उसमें सबसे पहले ORF आया था, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें 60 सेकंड का टाइम था बच्चे को लिए पढ़ने के लिए, वो कितने शब्द पढ़ता है वो आपको देखना था। अब आप लोगों ने जो ओरल असेसमेंट का रिजल्ट तैयार किया था, हम लोगों ने शीट शेयर की थी हर एक क्वेश्चन वाइज कि उसने कितना टाइम लिया था, तो आप लोगों ने वो चीज़ें नोट की होंगी, उस बच्चे का टाइम नोट किया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब टीचर को ये काम करना है, क्या करना है, आप ORF टेस्ट को चलाएंगे, ठीक है, और 60 सेकंड तक चलाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस जो आपने रिजल्ट मेंटेन कर रखा है ओरल असेसमेंट का, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को टिक करेंगे और उसके बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। इसमें आपके वो सारे क्वेश्चंस शो होंगे जो आपके असेसमेंट के टाइम पे आपको मिले थे क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑफ इस पर एक ये बॉक्स आ रहा है ऑफलाइन असेसमेंट, इसके ऊपर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड एंड असेसमेंट कर देंगे। आपका सेव भी हो जाएगा और असेसमेंट खत्म भी हो जाएगा उस पर्टिकुलर बच्चे का। अब जैसे मैं इस बच्चे का असेसमेंट कर रही हूँ, मैंने उस टीचर से उस बच्चे का रिकॉर्ड ले लिया था, तो अब मैं इसका असेसमेंट कर रही हूँ। कैसे करेंगे, ORF को हम चालू कर देंगे। और ये आपका 60 सेकंड तक चलेगा और आपको भी ये 60 सेकंड तक चलाना ही होगा। 60 सेकंड तक चलाने का मतलब ये है कि इससे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा पोर्टल के ऊपर भी कि हाँ बच्चे ने इतने सेकंड तक उस चीज़ को पढ़ा था और इतने उसके आंसर ठीक थे, उसने इतने शब्द पढ़े थे। इससे ये एनालाइज हो जाएगा कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है आपकी क्लास का। तो आपको ये टाइमर चलाना पड़ेगा 60 सेकंड तक, या अगर आपको लगता है आपका बच्चा अच्छा है, उसने बहुत जल्दी क्विकली पढ़ लिया था, तो उस हिसाब से आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। क्या बच्चे ने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, तो हाँ जी उसने बच्चे ने पढ़ लिया था, तो मैंने हाँ कर दिया है, ठीक है। फिर ORF टेस्ट समाप्त करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको मार्क करने हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसीलिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है ताकि आप हर एक बच्चे का आराम से कर लें। इस बच्चे के सारे आंसर मैंने मार्क कर दिए हैं, जो भी उसके मार्क्स थे। अब मैं इसे ऑफलाइन असेसमेंट पर क्लिक करके सेव एंड एंड असेसमेंट पर क्लिक कर रही हूं। और इसके बाद आता है यू वॉन्ट टू एड एंड असेसमेंट, देन ओके। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ओरल असेसमेंट और रिटर्न असेसमेंट इनके क्वेश्चन मिलाई हुई हैं, यानी कि पहले ओरल असेसमेंट के क्वेश्चन हैं और बाद में आपके रिटर्न असेसमेंट के क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी में पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, ओरल का भी और रिटर्न का भी।
टोटल मिला के सेकंड क्लास के 51 क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी के। इसी तरीके से आपके हर सब्जेक्ट के खुलेंगे और इसके बाद आप इसको ऑफलाइन करके सबमिट कर दें। अब आप इसे कंप्लीटेड में जाके चेक कर लेंगे। कंप्लीटेड में आप जाएंगे तो मैंने आर्यन का किया था, अब आर्यन का यहाँ पे कंप्लीटेड शो करेगा। लेकिन अगर आप दोबारा इसे अपडेट करना चाहेंगे या फिर आप इसे एडिट करना चाहेंगे तो ये अपडेट भी नहीं होगा और एडिट भी नहीं होगा। तो एक बार आप प्लीज़ कंफर्म करके बच्चे के मार्क्स एंटर करें। तो इस तरीके से आप अपने क्लास थर्ड का भी असेसमेंट करेंगे और फर्स्ट का भी करेंगे आज, कल और अगले दिन में। इसी तरीके से जो कल का जो असेसमेंट होगा वो कल यहाँ पर शो करने लग जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये असेसमेंट आप लोगों को करना है। अगर किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में आप लिख कर हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आप निपुण हरियाणा, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी निपुण स्मार्ट शाला चैनल को सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। वरना कमेंट बॉक्स चैनल का हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ इसे टाइम से सबमिट कर लीजिए, क्योंकि आगे से गाइडलाइंस भी यही आ रही है कि टाइम से आपको इसको डेली अपडेट करने हैं मार्क्स को। और 3 दिन का टाइम मिला है तो आप आराम से इसे कर लीजिएगा, पैनिक ना होएं, आराम से करें। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और आई होप कि किसी टीचर को कोई समस्या नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। थैंक यू।